सर, आपने ये आर्टम नाम रखा तो इसके पीछे क्या मतलब आपकी सोच रही, इसका क्या मतलब है बताइए। हाँ रवि जी, जब हम आटम का स्टार्टअप कर रहे थे, जब हम आटम बना रहे थे, तो देखो इसको नाम रखने के पीछे एक छोटी सी स्टोरी है। आर्ट तो हमें इसमें रखना ही था, क्योंकि देखो जितना भी हम SEO वगैरह डिजिटल मीडिया में देखे, तो SEO को देखते हुए तो आर्ट तो हमें चाहिए ही था। और आर्ट अगर हमें चाहिए था तो हमें कुछ ऐसा चाहिए जो थोड़ा यूनिक हो, तो हमने इसमें आर्ट और ओम ओम बेसिकली जो हमारा हिंदू धर्म में ओम है उसका मतलब जो प्रॉपर जो प्रोनाउंसिएशन है उसका है AUM, ओम। तो हमने उस ओम को लिया क्योंकि ओम एक यूनिवर्सल साउंड है मेरे हिसाब से। और कहते हैं ना, जहाँ पे भी आप ओम का उच्चारण करते हैं, हम ओम को बोलते हैं, तो वहाँ पे एक पॉजिटिव फ्रिक्वेंसीज रिलीज होती हैं, पॉजिटिव वाइब्स रिलीज होती हैं। तो इसलिए मैंने एक सोचा कि जब भी हम ओम बोलेंगे, जब भी आटम का नाम बोला जाएगा, तो एक पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी क्रिएट होगी। तो जितनी जितनी बार आटम बोला जाएगा, उतनी उतनी बार ये एक पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी क्रिएट करेगा। तो एक तो ये रीजन था। सेकेंड, थोड़ा सा कुछ और कॉर्पोरेट वर्ल्ड को देख के, सिक्स लेटर और ये सब चीज़ें ऐड करके, तो हमने यही सोचा कि इसको इसी मतलब जो हमारा जो पर्सपेक्टिव था यही था कि हम इसको ये रखें। फाउंडर्स हैं और आज हम इनसे बात करते हैं, तो आपका स्वागत है सर। आपने आर्टम की शुरुआत कहाँ से की? रवि जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया हमारे विजन को आगे बढ़ाने में। सर, आर्टम की शुरुआत एक छोटे से विजन से हुई। एक छोटा सा विजन है हमारा, इट्स अ होम ऑफ एवरी आर्ट और आर्ट फॉर एवरी होम। हम यहाँ पे आर्ट को प्रमोट कर रहे हैं और एक नॉर्मल और एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए हम आर्ट को प्रोवाइड मतलब बना रहे हैं, भेज रहे हैं ऑल ओवर इंडिया के अंदर। जी, तो ये हमारा एक विजन है सिंपली। आपने ये स्टूडियो बड़ा अच्छा ब्यूटीफुल मतलब डिज़ाइन कर रखा है, तो ये कैसे किया, इसके पीछे क्या थीम थी, और ये आपने खुद किया या बाहर से कहीं करवाया है? नहीं सर, स्टूडियो हमने 90% 90-95% हमने खुद ही कस्टमाइज़ किया है। एक्चुअल में थीम क्या है कि हमने इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया, हमने इसमें बस बिल्कुल सिंपल चीज़ें रखी, नेचर नेचुरल चीज़ें आप देखेंगे तो जी हमने 90% चीज़ें नेचुरल रखी हैं। तो मेरे हिसाब से एज ए आर्टिस्ट, नेचर से बड़ा कोई आर्टिस्ट नहीं है जिसने हमें बनाया है। और सब चीज़ें इतनी परफेक्टली वर्क कर रही हैं इस दुनिया में, हर एक चीज़, एक फूल खिलता है फिर वो मुरझा जाता है, टाइम टू टाइम मौसम बदलते हैं चीज़ें, एक साइकिल इतना परफेक्टली चलता है, तो नेचर से बड़ा तो आर्टिस्ट कौन ही है। और अभी हम बैक टू बैक एक दो स्टूडियो और भी हम अभी बना रहे हैं, ताकि हम लर्निंग वाली जो फेज़ है हम और लोगों को एक साथ इकट्ठा करें, हमारे आर्टिस्ट भी जुड़े, और हम एक जैसे कि मैंने बताया था कि हम सिखाने पे भी काम करेंगे, तो हम एक दो स्टूडियो और भी हम जल्दी आपके सामने लाएंगे। तो आपने आर्ट की शुरुआत कहाँ से की थी? वही, हमने काफ़ी टाइम पहले इसको स्टार्ट किया था। तो एक्चुअली एज ए करियर हम बात करें तो हमें कुछ ना कुछ करना होता है, तो एज ए जॉब भी हम कर सकते हैं वर्क, बट मेरा ये था कि एज ए फीमेल भी अगर हम देखें तो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है जॉब के साथ सारी चीज़ें करना। तो मेरा यही था कि अगर कुछ ऐसा हो जो हम अपना काम हम कर सकें जिसमें अच्छी अर्निंग भी हो ऑब्वियसली, और अगर एक एक प्लस पॉइंट ये था कि अगर कुछ इंटरेस्टेड मतलब कोई वर्क अगर हमारा करियर में कन्वर्ट हो जाए तो उससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। तो कुछ चीज़ें मैंने ट्राई की जिस जिसमें इंटरेस्ट था, तो द बेस्ट वन मुझे ये लगा और फिर मैंने इसमें कंटिन्यू किया। एक आर्टिस्ट और नेचर का एक रिलेशन होता है, जैसे आपने बताया कि नेचर लवर हो, तो इसके पीछे क्या स्टोरी है और आप कहाँ तक मानते हो इन चीज़ों को सही है? हाँ सर, देखो जैसा कि मैंने बताया कि नेचर एक बहुत बड़ी आर्टिस्ट है अपने आप में। आर्टिस्ट तो एक छोटा सा पार्ट है, और आर्टिस्ट और नेचर को लेके मैंने एक हमने भी एक छोटा सा एक पहल शुरू कर रखी है, आर्टिस्ट लाइफ एंड नेचर की। हम आर्टिस्ट लाइफ और नेचर की कुछ वीडियोस भी हम डालते रहते हैं। इसमें मैंने एक सिंपल सा एक टैगलाइन दे रखा है, ए न्यू पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ, कि लाइफ को देखने का एक नया पर्सपेक्टिव। इसमें क्या है कि हम जो देखते हैं कि लाइफ को ना इतना कॉम्प्लिकेटेड जो हम कर रहे हैं आजकल, वो नहीं करना है हमने, बिल्कुल सिंपल, जो चीज़ बिल्कुल बेसिक है हमें वैसे ही चलना है। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हम उसको कर लेते हैं करियर के मामले में, फाइनेंस के मामले में चीज़, और अपने रिलेशन और सब चीज़ों के मामले में। तो हमें उसको अगर कॉम्प्लिकेट ना करके एक सिंपल, हम उन वीडियोज से भी हम ये यही एक मैसेज देना चाहते हैं, उनमें एक छोटे छोटे मैसेज छिपे होते हैं कि एक न्यू पर्सपेक्टिव है लाइफ का, एक लाइफ को देखने का एक नया नज़रिया। तो बस वही है, और आर्टिस्ट और लाइफ, ये तो आर्टिस्ट और एक जो नेचर है वो तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक आर्टिस्ट को काम करने के लिए नेचर से बड़ा मतलब कोई जगह, कोई एक आर्टिस्ट को एक नेचर नेचरफुल जगह मिल जाए जहाँ पे नेचुरल वाइब्स हैं, तो उससे बेटर उसके लिए कुछ नहीं होता। तो आप लोगों ने आर्ट को फिर अपना ये आर्टम्स बना लिया है एज ए उसमें? सर देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं काफ़ी स्टार्टअप्स के साथ काम कर रहा था, अनु आर्ट के लाइन में आ गई थी, और एज ए आर्टिस्ट मैं भी एक्टिव था। तो हमने शिमला में हमने 2 दिन बार अच्छे मतलब एज ए बेस्ट आर्टिस्ट भी रहे हमने, और काफ़ी चीज़ों में हमने मतलब वर्क किया। तो फिर हमने एक चीज़ सोची कि हम दूसरे लोगों के लिए इतना काम कर रहे हैं, किसी प्राइवेट फर्म के लिए हम काम कर रहे हैं, तो क्यों ना हमारे पास स्किल्स है और बाकी स्किल्स भी, एज एंटरप्रेन्योर स्किल्स भी हमारे पास हैं। हम ऑलरेडी 2-3 स्टार्टअप्स के साथ काम कर रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना इसका एक स्टार्टअप किया जाए। तो हमने यही सोच के आर्टम बनाया, अपनी स्किल्स को प्रमोट किया ऑल ओवर इंडिया में, हमने आर्ट को एक बिजनेस की तरह भी हमने इसको इंट्रोड्यूस किया। और हाँ जी, तो इसमें आप क्या क्या सर्विसेज और प्रोडक्ट्स हैं जो आप प्रोवाइड करवाते हो?
सर ये एक अभी तक वैसे तो इसका जो विजन है वो इट्स अ होम ऑफ एवरी आर्ट, हम हर तरह के आर्टिस्ट में ऐड करेंगे आने वाले वक्त में, लेकिन अभी जो इसमें हम कर रहे हैं इसमें हम पोर्ट्रेट्स कर रहे हैं, लैंडस्केप्स कर रहे हैं और काफ़ी मीडियम्स में हम इसमें कर रहे हैं, पेंसिल स्केच में हो गया, ऑयल पेंटिंग्स हो गया, पेंटिंग्स में हो गया, तो हम अभी जनरली 3 या 4 कम से कम 5 से 7 प्रोडक्ट अभी हम कर रहे हैं जी। जो हमारा USP जो हमारा मेन प्रोडक्ट है वो हमारा पोर्ट्रेट है, हम पोर्ट्रेट इसमें करते हैं, कस्टमाइज पोर्ट्रेट होता है, इट्स टोटली हैंडमेड। ओके, तो आप लोगों को क्या डिफिकल्टीज आई आर्ट को एज ए बिजनेस बनाने में? पहले सिर्फ एज ए प्रोफेशनल हम वर्क करते थे एज एन आर्टिस्ट, और ऑफलाइन ही मोस्टली वर्क रहता था, बट जैसे ये लॉकडाउन हुआ था, आपको पता है कोरोना जो पीरियड हुआ था, तो उसके अंदर थोड़ा ऑफलाइन वर्क हमें सफ़र हो रहा था, तो उस टाइम वही है जैसे इन्होंने बताया कि कुछ इनमें एंटरप्रेन्योर स्किल्स थी और मेरे अंदर कुछ आर्ट स्किल्स थी, और एज एन आर्टिस्ट ये वर्क कर रहे हैं, बट ये थोड़ा लैंडस्केप्स में ज़्यादा वर्क करते हैं, तो हमने सब मतलब दोनों चीज़ों को मिक्स करके और फिर इनके माइंड में ये एक आइडिया आया कि क्यों ना हम एक ऐसा स्टार्टअप करें जिससे हम ऑनलाइन वर्क भी कर सकते हैं और उसको एज ए ब्रांड हम क्रिएट करें, तो उसका विजन भी फिर हमने इसी तरीके से पॉइंट आउट रखा, क्योंकि आर्ट थोड़ी महंगी होती है ऑलमोस्ट सबके लिए, क्योंकि एग्जीबिशन अगर हम करते हैं तो थोड़ा कॉस्टिंग रखनी पड़ती है हमें भी, तो उस वजह से हमने उसका विजन भी इस तरीके से कन्वर्ट करके रखा कि हम हर एक मतलब हर क्लास फैमिली को हम वो मतलब हर कोई बंदा उसको अफोर्ड कर सके, हम वो प्राइस रेंज में हम उसको ऑफर करेंगे। तो वैसे लैंडस्केप्स हम जो है उसकी गैलरी हमने थोड़ा कम करा हुआ है, बट हम मोस्टली पोर्ट्रेट्स में वर्क कर रहे हैं, क्योंकि पोर्ट्रेट्स एक ऐसा है कि वो सब मतलब अपने लिए करवा सकते हैं, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के लिए कर सकते हैं, तो वो चीज़ें हैं। तो आप जैसे कि बता रहे थे कि आप जॉब करते हैं और जॉब के साथ एज ए आर्टिस्ट भी काम कर रहे हैं, तो दोनों चीज़ों को मैनेज कैसे करते हैं? सर देखिए, एक कोई भी चीज़ को करने के लिए सबसे पहले आपके अंदर एक चिंगारी होनी चाहिए, तो मैंने एक चीज़ देखी कि लाइफ में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसको हम लर्न नहीं कर सकते, सीख नहीं सकते और आगे नहीं बढ़ सकते हम, तो जॉब करना एक अलग चीज़ थी हमारे लिए, एक ज़रूरत थी, और उसके साथ साथ फिर हमने लाइफ में कुछ और भी सीखना था, तो अनु ने आर्ट को सीखा, फिर मैंने एक जिद, एक चिंगारी कह लो, एक जुनून के साथ मैंने इसको स्टार्ट किया कि भाई ठीक है मैं इसको लर्न करूंगा, मैंने इसको लर्न किया अपने, इनका कोई इंटरेस्ट नहीं था आर्ट में, बट फिर भी इन्होंने मतलब ये था इनको कि चलो मैं सीखूंगा, और इन्होंने मतलब खुद से ही सीखा और फिर उस पे वर्क किया और काफी इंप्रूव किया अपने आपको, मतलब जस्ट ओनली ऑन प्रैक्टिस। एज ए सेल्फ टॉट आर्टिस्ट मैंने काफ़ी चीज़ें फेस की कि भाई ठीक है क्या होगा क्या नहीं होगा, फिर मैंने और भी कई तरीके से एज ए लाइव स्केचिंग भी मैंने किया, ट्राई किया, और अलग अलग तरीके से, अलग अलग मीडियम से, इंटरनेट से, ऑफलाइन आर्टिस्ट से मैंने बात की, उनसे सीखा, और फॉर्चुनेटली मैंने जल्दी सीख लिया, तो थोड़ा सा चीज़ें बैलेंस हो गई। तो आगे आपका क्या विजन है आर्टम को लेके, क्या मतलब आप सोच रहे हो कि आने वाले 5 साल में या 10 साल में आप कहाँ देखते हो? देखिए सर, आर्टम का जो हमारा विजन है इसमें हम आने वाले वक्त में हम ये चाह रहे हैं कि हम ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया हमने पहले ऑल ओवर वर्ल्ड में हम सोच रहे थे, बट अभी हम ऑल ओवर इंडिया में हम इसको पहले पूरे तरीके से फैलाएंगे। क्या है कि हम इसमें हर तरह के आर्ट को हम ऐड करेंगे, अभी हमारे पास जनरली 2 या 3 आर्ट है, पेंसिल स्केच हो गया, कलर पेंटिंग्स वगैरह हो गया, अभी इसमें हम और भी मतलब आर्ट्स, इट्स अ वेरी बिग मतलब यू नो इट्स अ बिग सब्जेक्ट, इसमें बहुत सारी आर्ट्स है, क्यूलिंग आर्ट्स है, और भी मतलब 100 तरह के आर्ट्स, आर्ट्स को धीरे धीरे ऐड करेंगे और अलग अलग तरह के आर्टिस्ट को हम इसमें ऐड करेंगे, और जो हमारे रूलर आर्टिस्ट हैं जिनकी आर्ट्स को कोई वैल्यू नहीं हो रहा है, मतलब बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, उनकी आर्ट्स भी बहुत बेहतरीन है, लेकिन उनको वैल्यू नहीं मिल पा रहा है उन चीज़ों का, तो हम उन आर्टिस्ट को अपने साथ लाएंगे और उनको हम अपनी वेबसाइट पर आगे हम लिस्ट करेंगे और आगे हम उनके साथ पढ़ेंगे, तो इट्स तो अभी ये बनेगा, तभी हमारा विजन क्लियर होगा, इट्स अ होम ऑफ एवरी आर्ट, तो हम सभी आर्टों का एक घर बनाएंगे यहाँ पे। आज के दिन लोग साइंस में जाते हैं, कॉमर्स में जाते हैं, और कोई इंजीनियर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, तो आप कैसे देखते हो इन चीज़ों को, कैसे मैनेज करते हो कि आपने ये अलग से हटके एक फील्ड चुना है, और इसमें क्या डिफ़िकल्टीज़ आपके लिए रही और क्या पॉजिटिव थिंग्स आपको मिली? देखिए अगर मैं ये कहूँ, अगर मैं अपनी स्टडी यहीं पे कंटिन्यू करती तो शायद मैं आर्ट फील्ड में नहीं जा पाती, क्योंकि यहाँ पे अपने इतना अवेयरनेस ही नहीं है आर्ट को लेके, और ना ही मुझे कभी कोई आइडिया था, इवन शायद मैंने 5th-6th क्लास में अपने ड्राइंग्स छोड़ दी थी, उसके बाद मैंने उनको कंटिन्यू नहीं किया, तो बट ये जो आगे की स्टडीज़ हैं वो हमने शिमला में किया हिमाचल से, तो वहाँ पे आर्ट का कल्चर है काफ़ी अच्छा, और इवन काफ़ी प्रमोट भी करते हैं वहाँ पे, तो जैसे CM सर ने भी हमें वहाँ पे थोड़ा किया था, सम्मानित किया था, उनका भी हमने पोर्ट्रेट गिफ्ट किया था, तो मतलब वहाँ पे ना एक कल्चर मिला हमें, एक मतलब अगर मैं ये कहूँ मुझे लगा कि मेरा आर्ट में इंटरेस्ट है, मैं उसमें कंटिन्यू करूँ, बट वहाँ पे मुझे वो ऑप्शंस मिले, मुझे वो राह मिली जिसमें मतलब चल के हम अपना करियर सेटअप कर सकते हैं, अगर वो चीज़ यहाँ पे होती तो शायद मैं भी किसी साइंस फील्ड में या किसी, क्योंकि मैंने +2 तक स्टडी तो साइंस फील्ड में ही की है, तो वहीं पे मैं कुछ कंटिन्यू करती, और इसमें थोड़ा प्रॉब्लम तो कुछ नहीं, बस थोड़ा सा यही रहा कि स्टार्ट फेज में थोड़ा सा रहता है कि जब तक हमारी आर्ट में थोड़ी सी मतलब परफेक्ट तो हम किसी आर्ट को नहीं कह सकते, और इवन हार्ड आर्ट को हम परफेक्ट कह सकते हैं, लेकिन यही था कि जब तक हम थोड़ा सा उसको परफेक्टली कर सके, मतलब जिसमें थोड़ी फिनिशिंग अच्छी हो, जब तक हम उन तक नहीं पहुँच पाते हैं उस स्टेज तक, तब तक हमारा थोड़ा स्ट्रगल फेज रहता है कि हमें मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस में करना पड़ता है, बहुत सारे आर्ट्स हमें करनी पड़ती है जो बस सिर्फ प्रैक्टिस पर्पज से हम करते हैं, बाकी कुछ एग्जीबिशंस में रहता है कि हम एग्जीबिशंस में हमारी थोड़ी सी कोस्टिंग तो थोड़ी हमारी ज़्यादा चली जाती है कोस्टिंग कई बार, बट रिजल्ट्स वैसे नहीं मिलते हैं, और कई बार बेनिफिट्स ये होते हैं कि हम मतलब अगर हमने अच्छी आर्ट है और अगर हमने अच्छे प्लेस पे की है
तो वो बेस्ट रिजल्ट्स देते हैं, तो वो भी एक अच्छा पार्ट होता है। बाकी आर्टम को स्टार्ट करने के बाद हमारा काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हमारे रहे हैं, और हमने हमेशा यही कोशिश की है कि सब लोग अफोर्ड कर सकें, हम इसी प्राइस रेंज में करें जिसमें हम सर्विस बेटर दे सकें और जितना बेटर हम आर्ट दे सकें उनको, कि मतलब जितना वो पे कर रहे हैं उससे उसके वर्थ से उनको ज़्यादा मिल पाए, तो हमारी यही कोशिश रही है। आपने एक मोदी जी की वो पोर्ट्रेट गिफ्ट की थी उनकी माँ के पोर्ट्रेट बना के, तो वो क्या आप मानती हैं वो टर्निंग पॉइंट था आपका जो आर्टम का ग्रो करने के पीछे? देखो वैसे वो बहुत ही अच्छा पार्ट था मतलब लाइफ का, इवन मैं ये कहूँ नॉट इवन द करियर ओनली, ये मेरी लाइफ में भी बहुत सारे बेनिफिट्स हुए हैं इस चीज़ को लेकर, मेरे पर्सनल लाइफ में भी बहुत बेनिफिट्स हुए हैं, और मतलब ये एक बहुत प्राउड मोमेंट था कि वो जो मतलब पीएम सर ने उस चीज़ को समझा, उस आर्ट को मतलब इतना वैल्यू किया, उन्होंने जो एक आशीर्वाद दिया हमारे लिए वही एक बहुत बड़ी बात थी। मतलब जो मतलब बस हम मैंने उसमें कुछ भी सेल्फिशनेस नहीं सोचा था, जस्ट इवन द ऑनेस्ट पार्ट ऑफ द हार्ट से मैंने ये सोचा था कि हम बस उनको एक गिफ्ट कर पाएं, तो उन्होंने वो रिसीव किया और वो आशीर्वाद दिया, तो वो भी मतलब एक बहुत बहुत बड़ा मतलब पार्ट रहा। नहीं वो चीज़ इतने बड़े लेवल पे वायरल हुई है, आपको पता है हर फ्रंट पेज पे न्यूज़पेपर के और सोशल मीडिया पे वो चीज़ें वायरल हुई, तो क्या आप उसको मानते हैं कि वो आपकी लाइफ का आर्टम के लिए टर्निंग पॉइंट था, वहाँ से चीज़ें और फास्टर ग्रो करने लग गई? कह सकते हैं उस चीज़ को, मैं यही कह रही हूँ, इवन आर्टम का नहीं इवन पर्सनल लाइफ में भी वो उसने बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं एज ए सोसाइटी भी अगर मैं देखूँ तो, और वैसे भी मतलब काफ़ी सारी चीज़ें उसके बाद बहुत सारी चीज़ें एक अलग लेवल पे चेंज हुई हैं, और आर्टम में भी बहुत सारे बेनिफिट्स उसके बाद हुए हैं, और इवन आर्ट को लेके भी बहुत सारा मतलब एक होता है कि एक इंस्पिरेशन मिल जाता है, एक मोटिवेशन उस लेवल का हो जाता है फिर हमारे पास कि हम मतलब आगे और कितना ग्रो कर सकते हैं, उसके लिए एक अलग टाइप का मोटिवेशन हमारे पास आ जाता है अगर इतनी बड़ी चीज़ हो जाती है, तो वो चीज़ें हुई हैं। सर मेरा अगला क्वेश्चन ये है आपसे कि अभी जो आर्टिस्ट हैं जो छोटे मोटे आर्ट वगैरह डिज़ाइन करते हैं उनको इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, और वो कर रहे हैं अपने मतलब उनको पैशन है वो कर रहे हैं, तो उनके बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहोगे? देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम आप उन्हीं रूरल आर्टिस्ट की बात कर रहे हो जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन उनको उनकी आर्ट का वैल्यू नहीं मिल पा रहा है। मैं हमारा जो आर्टम में विजन है उन्हीं लोगों को एम्पावर करने का है कि हम ऐसे लोगों को अपने साथ लेके आएं जो एक बहुत बेहतरीन आर्टिस्ट हैं और लोकल आर्टिस्ट हैं हमारे रूरल में, अब चाहे आप राजस्थान में चले जाइए, आप हरियाणा में चले जाइए, हिमाचल में चले जाइए पीछे, तो हम चाह रहे हैं कि उन आर्टिस्ट की जो आर्ट है हम उनको आगे लाएं, एक वेबसाइट के थ्रू एक सॉफ्टवेयर के थ्रू हम उनको आगे लाएं और हम लोगों को वो चीज़ें दिखाएं, वहाँ से हम उनको एम्पावर कर सकें, वहाँ से हम उन आर्टिस्ट की स्टोरीज हम उनको दिखा सके, लोगों को हम उनको आगे बढ़ा सके, आगे बढ़ने का एक मौका दें। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि वो सच्चे आर्टिस्ट हैं जो डेली लेवल पे इस पे काम कर रहे हैं और भी कई तरह के आर्ट हैं जो मतलब कई तरह के आर्टिस्ट करने लग रहे हैं, तो हम सबको एक साथ लाने की कोशिश करेंगे इसमें आने वाले वक्त में। तो अभी तक आपका एज ए बिजनेस पर एनम टर्नओवर क्या है? अभी सर जो हमारा है अभी बहुत कोई बड़ा टर्नओवर नहीं है हमारा, क्योंकि हमने लास्ट पिछले साल हमने इसको स्टार्ट किया था, तो अभी हम मतलब 10-20 लाख के बीच में ही अभी हम हैं और हमारे पास अभी कोई ज़्यादा बड़ी टीम नहीं थी, अभी हम टीम को बना रहे हैं, टीम बिल्डअप कर रहे हैं, जो हमने वेबसाइट पे लिस्ट नहीं किया है अभी हम उनके साथ काम कर रहे हैं, लेकिन वेबसाइट पे हम जो काम हम प्रॉपरली कर पा रहे हैं प्रॉपरली एक क्वालिटी मेंटेन करके हम जो सर्विस प्रोवाइड कर सकें हम वही कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया पेंसिल स्केच और जो कलर पेंटिंग्स होगी, इसके अलावा भी हम कई तरह के आर्ट्स हम करवा रहे हैं, जैसे कि आप इंटीरियर डिजाइनिंग हो गया, कैफे में पूरा वॉल पेंटिंग्स हो गया, इसके साथ साथ वेलिंग आर्ट्स होगी, रेजिन आर्ट होगी, वुड कार्विंग्स वगैरह होगी, वो सब भी हम कर रहे हैं, लेकिन जैसा कि एक स्टार्टअप है आपको पता है क्वालिटी को भी मेंटेन करके चलना है हमें और हमें एक प्रोडक्ट को एक मिनिमम टू मिनिमम प्राइस रेंज में हमें रखना है, तो हम वो सारी चीज़ों को मेंटेन करते हुए हम धीरे 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 एक एक कदम हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम प्रोडक्ट के प्राइस को भी बिल्कुल रेंज में रख सकें और एक अच्छी सर्विस हम प्रोवाइड कर सकें ऑल ओवर इंडिया में। एज ए आर्टिस्ट आप जैसे कि कोई बच्चा है वो सीखना चाहता है तो उसके लिए आर्ट सीखना कितना मुश्किल काम है? देखो अगर उसका इंटरेस्ट है उसको सीखने में तो मैं ये कहूँगी कुछ भी मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर हम बस मतलब स्टार्ट फेज पे हम उसको ट्राई करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं कि चलो हम करके देखते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल रहता है। बाकी जो सबसे मुश्किल पार्ट रहता है आर्ट को सीखने का वो ये रहता है कि मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम हमें प्रैक्टिस में देना पड़ता है, जो बोर होने लग जाता है कि नहीं बस अब बहुत हुआ और प्रैक्टिस हम नहीं कर सकते, क्योंकि परफेक्शन के लिए हमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ता है। इवन एज एन आर्टिस्ट भी मैं कहूँ तो भी हमें डेली प्रैक्टिस पर्पज़ चाहिए, अगर हमें अपने क्वालिटी को मेंटेन रखना है या परफेक्शन रखना है थोड़ा सा अपने आर्ट में तो हमें प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा वक्त। और अगर दूसरे पर्सपेक्टिव में अगर हम बताएं तो एवरी चाइल्ड इज आर्टिस्ट। देखो किसी बड़े आर्टिस्ट ने कहा है कि हर एक बच्चा एक आर्टिस्ट होता है, बट हम सब शुरुआत में एक आर्टिस्ट थे जब हम बिल्कुल छोटे थे, हमने आगे बढ़ना सीखा, चीज़ें करनी सीखी, बट मुश्किल ही होती है उसको मेंटेन करना।
बस हम उसको मेंटेन नहीं कर पाते, चीज़ें अलग अलग चीज़ें और अलग अलग तरह की बातें, अलग अलग तरह की करियर चीज़ें, तो उसमें हम उसको मेंटेन नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं हम अपने उन आर्ट्स को जो हमें जीवन से मिली है, नेचर से मिली है, हम उनको छोड़ जाते हैं। आर्ट करना सिर्फ ये नहीं है, आर्ट मतलब क्रिएटिविटी, क्रिएट करना कुछ भी, किसी भी चीज़ को अलग जो जैसे हो रहा है उससे बेहतर करने की कोशिश करना कह सकते हैं, और कुछ भी नया बनाना, कुछ भी नया करना हो। तो हमने वो बचपन से वो हमारे नेचर में रहती है, बट बस हम उसको धीरे धीरे खत्म करते हुए मेंटेन नहीं कर पाते हैं। तो मेरे पर्सपेक्टिव में ये है कि हर एक बच्चा एक आर्टिस्ट होता है, ऑलरेडी है, बट हम उसको मेंटेन करें। ओके, तो आपने तो कह दिया कि आपके इंस्पिरेशन अनु जी है, तो आपकी क्या इंस्पिरेशन रही आर्ट सीखने की? आर्ट सीखने के लिए तो जस्ट मैंने करियर एज ए करियर शुरू किया था। बाकी अगर मैं लाइफ की इंस्पिरेशन की बात करूं कि मैं आगे बढ़ने के लिए किससे मैं कर पाती हूं, तो वो मेरे इंस्पिरेशन यही है ओब्वियसली। आर्ट में मतलब इवन आर्ट में भी अगर मैं अपने एज ए करियर ग्रो करती हूं, या लाइफ में भी मैं बहुत सारे मतलब बहुत सारी चीज़ें हम सीखते हैं टाइम टू टाइम, तो वो सब चीज़ें मैंने इनसे सीखी हैं। और मतलब एक ट्रैक पे चलने के लिए इन्होंने हमेशा मतलब मुझे सिखाया है आगे कैसे बढ़ना है, कैसे मेहनत करनी है, कैसे चीज़ें इवन जब नहीं पता लगता है हमें, कई लाइफ में कुछ मोड ऐसे होते हैं जिन पे हमें नहीं पता होता है एज ए करियर भी कि हम आगे क्या करें, अब कैसे जाएं। जैसे मैंने बताया जो कोरोना टाइम हुआ था, तो हमारा ऑफलाइन वर्क बहुत सफ़र हो रहा था, और इवन मैं इतना टेंस हो गई थी कि मुझे लग रहा था कि शायद मैंने गलती कर ली एज ए आर्ट करियर को चूज़ करके। तो वही है कि हमेशा जिस मोड पे मतलब ऐसा हुआ है कि बस मैं फंस गई हूँ यार, अब मैं पता नहीं कहाँ जाऊँ, तो वहाँ पे इन्होंने मतलब एक पूरा रास्ता क्रिएट करके मुझे दिया है कि वो मतलब वहाँ पे आपको पहुँचना है और ये वे है, आप इस पे चलो और मैं इस पे साथ रहूँगा। तो वो चीज़ है क्योंकि उसी टाइम इन्होंने आर्टम का भी स्टार्ट किया, तो उसमें मतलब चीज़ें इतनी इजी हो गई, मतलब मैंने नहीं सोचा था कि अगर ये इस तरीके से सफ़र कर रहा है तो इसको हम इतना बेटर वे में मतलब मोल्ड कर सकते हैं। इवन मैंने ट्रस्ट नहीं किया था स्टार्टिंग में कि थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, और फिर क्योंकि वर्क फ्रॉम होम करके और फिर हम इतना चीज़ें थोड़ा सा करें। एक्चुअली में जब हम आर्टम जब हमने स्टार्ट किया था, इसके पीछे ये रीज़न था, हम शिमला थे, लॉकडाउन में चीज़ें एकदम से सब डिस्टर्ब हो गई थी, तो मैंने कहीं ना कहीं देखा मतलब जो हमारा आर्ट वाला करियर था वो धीरे 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 उस पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट का मतलब कम होता जा रहा था वो। तो हमने एक चीज़ सोची कि हम इसको क्यों ना एक प्रोफेशनली वे से हम इसको आगे बढ़ाएं, तो वहाँ से आर्टम की शुरुआत हुई बेसिकली। तो फिर कुछ हमारे पास अपनी स्किल्स थी, चाहे वो स्टार्टअप्स के साथ कुछ अपनी मार्केटिंग स्किल्स या कुछ एंटरप्रेन्योर स्किल्स होगी, कुछ अपनी आर्ट स्किल्स, तो हमने अपनी स्किल्स को एक साथ इकट्ठा किया वहाँ से जो बेस्ट पॉसिबल हो सकता था। कुछ चीज़ों में ये परफेक्ट थे, कुछ चीज़ों में हम थोड़ा जो अपनी चीज़ों का, तो एक छोटी सी टीम थी हमारी, अभी भी है हमारे साथ वो लोग, तो हमने उनके साथ मिलकर एक स्टार्टअप स्टार्ट किया था, और धीरे धीरे हमने जो इसको आगे बढ़ाया, इसके रिजल्ट अच्छे आए, धीरे धीरे हम इस पर कॉन्फिडेंस गेन हुआ कि हाँ ये चीज़ें चल रही हैं, और धीरे धीरे करते करते हम एक ट्रैक पे आए। स्टार्ट फेज में काफ़ी मुश्किलें हुई थी इसमें भी, क्योंकि हमने प्राइस रेंज ऐसे रखी हुई थी, और फिर आपको पता है अगर हम ऑनलाइन सेटअप कर रहे हैं तो इवन डिलीवरी कॉस्टिंग, पैकिंग कॉस्टिंग, और मतलब वो सब कुछ निकाल के हम मतलब बिल्कुल कुछ भी बेनिफिट्स नहीं हो रहे थे, और वो सब चीज़ें हो रही थी, उसको लेकर भी हम थोड़ा सा टेंस हो रहे थे, बट फिर भी हम थोड़ा कंटिन्यू रखा कि एक टाइम होता है बिजनेस पेसेज ऐसे होते हैं कि स्टार्टिंग में हमें काफ़ी सफर करना पड़ता है उस चीज़ को लेकर, बट मतलब बस हमारा मेन मोटो यही रहा कि हम सर्विस खराब ना करें, बेसिक क्वालिटी को मेंटेन करते रहें बस। ओके, तो आर्ट के बारे में काफ़ी मतलब लोगों में अवेयरनेस कम है। आप बड़े शहर में जाओगे वहाँ पे ठीक है, लोग अवेयर हैं आर्ट के बारे में कि आर्ट क्या है, और लोग पैसा भी खर्च करते हैं, वो नहीं देखते, उनके पास पैसा है भी तो वो दे रहे हैं, लेकिन जिस एरिया में आपने आर्टम स्टार्ट किया है और यहाँ के लोगों में अवेयरनेस कम है, तो आगे इन चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए, बढ़ाने के लिए आपके पास क्या प्लान्स हैं? देखिए सर, अभी तक जो हमने आर्टम को जो स्टार्ट कर रखा है, आर्टम जो जिस वे से चल रहा है, हमने इसको गिफ्टिंग से जोड़ रखा है। इट्स ए वे ऑफ गिफ्टिंग। आप किसी भी अपने फ्रेंड के लिए गिफ्ट तो आप करते हैं, हर बंदा अपनी लाइफ में किसी ना किसी मोड पे किसी ना किसी को गिफ्ट देता है, तो हमने एक गिफ्ट प्रोडक्ट बना रखा है आर्ट। आप आर्ट को क्यों ना गिफ्ट करें, क्योंकि एक क्रिएटिव बहुत ही क्रिएटिव गिफ्ट है, और ड्यूरेबल भी है, आपकी वॉल पे एक बार लग गया तो ये सालों साल चलेगा, इसका कुछ खराब नहीं होता, और एक बहुत ही प्राइस मतलब मिनिमम प्राइस रेंज में आप 1,000-2,000 रुपये गिफ्ट पे खर्च कर सकते हैं। तो जब आप एक 1,000-2,000 रुपये का एक ऐसा गिफ्ट परचेज करते हो जो हमेशा वॉल पे रहे, क्रिएटिव भी लगेगा और देखने वाला भी आपको हमेशा बोलेगा भाई किसने आपको ये गिफ्ट किया, अटेंटिव भी है, अटेंटिव भी है, क्रिएटिव भी है, ड्यूरेबल भी है, और एक नॉर्मल रेंज में है, तो ये इस तरीके से हम इसको लेके चल रहे हैं कि गिफ्टिंग के साथ जोड़ के आने वाले टाइम में हम इसमें काफ़ी सारी चीज़ें करेंगे। एक तो ये प्रोडक्ट हो गया हमारा, इसके साथ जो मैंने बताया आपको हैंडमेड जो प्रोडक्ट है हमारे, और भी हम उनको ऐड करेंगे, उनको भी हम गिफ्टिंग के साथ जोड़ेंगे। इसके अलावा हम लर्निंग्स में भी इसमें मतलब थोड़ा इसको बढ़ाने के लिए, क्योंकि देखो हमारे यहाँ पे आर्ट का कल्चर इतना, आर्ट का कल्चर तो है लेकिन पढ़ाई तक होता है, उसके बाद चीज़ें थोड़ी सी हट जाती है, अलग अलग हो जाती हैं, तो हम इसको थोड़ा सा इसके लिए अवेयरनेस क्रिएट करेंगे। अवेयरनेस क्रिएट करने में जैसे कि हमने आर्ट प्रोग्राम चलाए, कुछ आर्टम्स आर्टम की तरफ से भी हम चलाएंगे स्कूल्स में, इंस्टीट्यूशन में के साथ भी हम जुड़ेंगे, और हम बच्चों को जो बच्चे अभी जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा था, जो बच्चे मतलब बिल्कुल जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, हम उन बच्चों के लिए आर्ट
को सीखने का एक जरिया क्रिएट करेंगे वहाँ पे, हम वो वहाँ से सीखेंगे, चाहे वो ऑनलाइन मोड हो गया चाहे ऑफलाइन मोड हो गया, उन्हीं बच्चों को, उन बच्चों के आर्ट्स को फिर हम अपने वेबसाइट्स पे भी लाएंगे और फिर हम उनको भी एम्पावर करने की कोशिश करेंगे किसी ना किसी तरीके से। तो ये हमारे आगे के प्लान्स हैं और इसी के साथ अवेयरनेस कैंपेन्स भी हम कुछ क्रिएट करेंगे जिससे आर्ट को थोड़ा और मतलब मिले, यहाँ पे दिखाएंगे हम अपनी लोकलिटी में कि कैसे हम चीज़ें, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा नहीं है कि आर्ट के में भी करियर बन सकता है, आर्ट सिर्फ एज ए ड्राइंग तक सीमित है। तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम अगर बच्चों मतलब बच्चों को अगर हम ये अवेयर करा सकें कि एज ए आर्ट एज एन आर्टिस्ट भी हम अपना करियर सेटअप कर सकते हैं और उसमें बहुत ही अच्छे स्कोप्स हैं। और इवन मतलब ये एक बिलीव है एक तरीके से, एक वक्त तक ही चलता है, जैसे कि पहले एक बिलीव थे कि भाई पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, लेकिन अब ये लाइन चेंज हो, रिवर्स हो गया। अब हरियाणा में देखो कितना स्पोर्ट्स कल्चर हम मतलब देख रहे हैं और इवन हरियाणा क्या ऑल ओवर इंडिया में हम देख रहे हैं कि जो पेरेंट्स बाहर हैं थोड़े सिटीज में, वो हर मतलब पेरेंट्स चाहता है कि अपने बच्चे को एक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग वो अलग से अरेंज करवाता है। तो बस चीज़ों को बदलते वक्त टाइम नहीं लगता, बस आपके पास एक अच्छा आइडिया होना चाहिए, आपके पास एक चिंगारी होनी चाहिए, आपके पास एक जुनून होना चाहिए, एक पैसन होना चाहिए उस चीज़ को करने के लिए, तो आप उस चीज़ को कर जाओगे, ऐसा कुछ नहीं। आपको एक पोर्ट्रेट बनाने में कितना टाइम लगता है? वैसे तो वो डिपेंड करता है कि हम जो फोटो जिससे हम पोर्ट्रेट बना रहे हैं कि उसमें कितना वर्क है, बट मिनिमम 3 to 4 hours तो लगते ही हैं। बाकी मैक्सिमम लगता है कि जितना हम उसके, कई बार होता है कि एक वेडिंग ड्रेस है तो वेडिंग ड्रेस में एक एक स्टोन और एक एक चीज़ को हम कवर करते जाएंगे तो उसमें हमारे 10 to 12 hours भी लग जाते हैं अगर हम अच्छा डिटेल में कर रहे हैं। तो अगर हम नॉर्मली स्केच कर रहे हैं जस्ट टू कैच की दैट मतलब उस पर्सन के फेस एक्सप्रेशंस हमें बस पेपर पे दिखाने, तो वो हम आधे घंटे में भी कवर अप कर सकते हैं इजीली, बट 10 minutes में भी वो हो जाता है। 10 minutes में भी जब इवन जब हम ऑफलाइन करते थे तो हम 15 minutes में वो लाइव स्केचिंग वो होता है। लेकिन जो अब हम जो आइटम में हम आर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं पोर्ट्रेट, तो वो वही है कि मतलब आर्ट को जितना हम उसमें वर्क करते जाएंगे उतना ही बेस्ट बनता जाएगा। वो ये नहीं कि बस आज हम जो दे रहे हैं वो बेस्ट है, तो उसमें यही है कि हम जितना वर्क कर सकते हैं ना, जितना मतलब हम डिटेल डाल सकते हैं तो वो उतना आप डालते हैं, और ज्यादा टाइम एक्सटेंड होता जाएगा। तो वो नहीं है, बस थोड़ा सा ये डिपेंड करता है कि सिंपल फोटो है तो थोड़ा कम टाइम लगेगा, ज्यादा मतलब ट्रिकी है तो थोड़ा सा ज्यादा। और अगर इसी आर्ट को कोई सीखना चाहे तो उसको कितना टाइम लगेगा सीखने में? देखो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, बाकी इसकी स्टडीज होती हैं तो वो तो पूरा मतलब हमारे जो बैचलर जो डिग्री होती है तो वो पूरा टाइम लगता है उसमें, तो 4 to 5 years लगते हैं। लेकिन बस कोई पर्सनल मतलब एज ए हॉबी अगर सीखना चाहे तो वो फिर उसके इंटरेस्ट पे और उसके मतलब ये डिपेंड करेगा कि वो दिन में कितना टाइम दे रहा है उसकी प्रैक्टिस के लिए, उसको सीखने के लिए, तो वो फिर उसी पे डिपेंड करेगा, मतलब ये कमिट नहीं किया जा सकता है कि इतना टाइम में सीख जाएगा। ओके, तो 4 to 5 years नॉर्मली अगर कंप्लीट सीखना है तो जो कोर्स डिटेलिंग जो जैसे हम हर चीज़ की हमारी स्टडी होती है, तो अगर हम एज ए ग्रेजुएशन, तो जैसे कि आपने बताया बहुत से लोगों को ये भी नहीं पता कि आर्ट की भी एक अलग से स्टडी होती है, कंप्लीट कोर्स होता है 4 to 5 years, तो बहुत से लोग हैं जिनको इन चीज़ों के बारे में नहीं पता, तो आप इसके बारे में एक बार बताएंगे डिटेल से? नहीं पता है, और इवन मैं ये कहूँगी कि हमारे यहाँ पे हरियाणा में अगर हम बात करें तो इवन कोई मतलब स्पेशल आर्ट कॉलेज नहीं है, तो वो अवेयरनेस तो मतलब होता ही नहीं है कि फिर अगर हो सकता है। मैं इसीलिए मैंने आपको कहा कि अगर मैं यहाँ पे अपने आगे कंटिन्यू करती तो शायद मुझे सब चीज़ें नहीं हो सकती थी। तो हाँ नहीं, देखिए इसमें ऐसा नहीं है कि मतलब लोगों को पता नहीं है, बेसिकली जनरली सर साइंस स्ट्रीम्स हैं, आर्ट स्ट्रीम्स हैं, कॉमर्स स्ट्रीम, तो आर्ट तो आ जाता है 12th + 11th में हमारे सामने आर्ट आ जाता है, बट आगे जब हम इसको करके निकलेंगे तो वो प्रॉब्लम है। अगर आप डॉक्टर बन जाएंगे ठीक है, आप हॉस्पिटल्स में काम कर लेंगे, आगे करियर को आगे हमें मेंटेन करने में इसमें थोड़ा इशू क्रिएट होता है। करियर के लिए अपॉर्चुनिटी थोड़ी कम थी इंडिया में, वो भी धीरे धीरे हम कवर अप कर, धीरे धीरे हो जाएंगी चीज़ें, ठीक हो जाएंगी, ऐसी बात नहीं है। तो वहाँ पे थोड़े से चैलेंजेस होते हैं आर्टिस्ट को, जब वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके जब वो बाहर निकलता है कॉलेज से, तो अब उसके सामने चैलेंजेस ये आते हैं, वो फ्रीलांसर आर्टिस्ट एक्टिव रहे या फिर वो किसी इंस्टीट्यूशंस के साथ जुड़े कि वो मतलब इसके बारे में पढ़ाए बच्चों को और मतलब चीज़ें करें, अदरवाइज वो अपना को स्टार्ट करें, तो यहाँ पे चैलेंजेस होते हैं। और यहाँ पे जितना कि आप बता रहे थे एक अवेयरनेस भी थोड़ी उतनी ज़्यादा नहीं है कैरियर को लेके, आर्ट सब्जेक्ट तो स्टार्ट से शुरू हो जाता है, हम ड्राइंग्स भी मतलब 5th, 6th, 7th class से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो बट ये है कि 1+1, 2+2 में अगर कोई हमें ये गाइड करे कि अगर आप आर्ट लोगे तो उसके बाद आप अपनी ग्रेजुएशन कर सकते हो आर्ट में, और ग्रेजुएशन के बाद आप मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर सकते हो, तो फिर मतलब हमारे लिए ईजी होगा ना उसको कंटिन्यू करना। जैसे हमने साइंस साइड ली है, नॉन मेडिकल ली है, तो हमारे लिए आगे क्लियर है कि आप ये कर सकते हो। अगर आपने नहीं, जैसे कि अभी आप बात कर रहे हो आर्ट हमें सुनने में मिलता है, लेकिन वहाँ पे भी ज्योग्राफी हिस्ट्री इन्हीं चीज़ों के बारे में बताते, जो प्रॉपर आर्ट है मैं उसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। और मेरे को नहीं लगता कि 5th class के बाद में कोई स्कूल वाला ड्राइंग का पेन या आपको नोटबुक पकड़ाता होगा, तो वो चीजें नहीं होती। तो इस चीज पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। वही चीज है, जैसे कि हम एक मैथमेटिक्स को पढ़ते हैं, लेकिन उसको एक डीप लेवल पे जाके पढ़ना, उसमें PhD करना, उसमें मतलब काफ़ी अंदर जाके उन चीज़ों को स्टडी करना। केमिस्ट्री एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन एक किसी एक स्पेसिफिक चीज़ के ऊपर हमें उस पर स्टडी करना, ये आर्ट का एक, ये हम जो हम कर रहे हैं वो एक विजुअल आर्ट आगे।
आर्ट्स के अंदर एक विजुअल आर्ट एक प्रोग्राम है, प्लस टू तक हम आर्ट में स्टडी कर सकते हैं और उसके बाद हम विजुअल आर्ट्स में अपनी ग्रेजुएशन कर सकते हैं। विजुअल आर्ट में हो गया, फाइन आर्ट्स आप कर सकते हो, बीएफए बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स हो गया, एमएफए हो गया, मास्टर। ग्रेजुएशन के बाद जो पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं उसमें फिर हम जो विजुअल आर्ट्स में भी बहुत सारे टाइप के आर्ट है, जैसे मैंने कहा वुड कार्विंग है और ये पोर्ट्रेट है, लैंडस्केप्स है, ऑयल कलर है, पेंसिल कलर है, एक्रेलिक कलर है, और मतलब बहुत सारे मीडियम्स आर्ट के, तो वो सारे कवर अप किए जाते हैं हमारे विजुअल आर्ट्स में एज ए ग्रेजुएशन। फिर पोस्ट ग्रेजुएशन जो हमारी होगी उसमें हम इसको एक फील्ड को हम चूज कर सकते हैं आगे के लिए कि हमें क्या मतलब किस में हमें जाना है, या तो स्पेशली हमें पोर्ट्रेट में जाना है, या फिर हम स्पेशली सिर्फ लैंडस्केप में जाना चाहते हैं, या ओनली हम लाइव आर्ट्स करना चाहते हैं, या फिर मतलब वो फिर हम एक स्ट्रीम को पकड़ के और फिर उसमें हम अपना आगे का करियर सेटअप कर सकते हैं। ये पूछ रहा था कि जैसे कि बहुत से बच्चे हैं, आर्ट के बारे में आपने बता दिया, ठीक है, और इसमें आपने तो अपना करियर क्रिएट कर लिया, आपने आर्ट बना लिया, आप अच्छे खासे पैसे भी कमा रहे हो, वो आपके लिए बेनिफिट है, ठीक है। जो बच्चा आर्ट में करियर बनाना चाहता है तो उनके लिए स्कोप्स क्या है आगे चल के, तो एक बार उनके बारे में आप थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। ये करियर अपॉर्चुनिटी खत्म कर रहे हैं कि आफ्टर जब हम पढ़ लेंगे उसको और उसके बाद हमें करियर में क्या होगा, तो उसके लिए सर देखो दो तीन चीज़ें हैं, या तो हम किसी इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़ जाएं, जैसे कि आर्ट के टीचर्स होते हैं, हम पढ़ाएं आर्ट के बारे में, और क्योंकि आर्ट एक सब्जेक्ट है और जब सब्जेक्ट है तो हर एक स्कूल सारे कॉलेज में वो पढ़ाया जाएगा, तो एज ए टीचर एज ए हम वो उसमें अपनी लैंग ले सकते हैं। सेकेंड थिंग, वो एज ए फ्रीलांसर आर्टिस्ट एक्टिव हो सकते हैं, जैसे कि क्योंकि आर्ट सर देखो कहीं ना कहीं थोड़ा सा रहता है, आर्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ पर भी डिपेंड करता है, जहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ ज़्यादा होती है वहाँ पर आर्ट की अवेयरनेस भी ज़्यादा होती है। तो ऐसा नहीं है, अब धीरे धीरे हम मतलब हमारा विकास हो रहा है तो धीरे धीरे इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होनी है आने वाले वक्त में, तो आने वाला वक्त जो है इंडिया के लिए, जहाँ पे हम रह रहे हैं, हमारी सोसाइटीज़ के लिए, तो वहाँ पे आर्ट एक बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण चीज़ होगी, ऐसी बात नहीं है। इसमें आप एज ए फ्रीलांसर आर्टिस्ट एक्टिव रह सकते हो, अपना कुछ आप क्रिएट करो, अपनी गैलरी बनाओ, आप वहाँ पे अपने आर्ट को सेल आउट कर सकते हो, और किसी स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशंस या किसी मतलब ऑर्गेनाइजेशंस के साथ आप ये काम कर सकते हो, जैसे कि आप इंटीरियर डिजाइनिंग भी एक तरह की आर्ट है, तो आप उसमें आप अपने आर्ट को डाल सकते हो, और ये तो आज हर एक मतलब बिल्डिंग में, हर एक अच्छे इंस्टीट्यूशंस में आज ये रिक्वायरमेंट है एक आर्टिस्ट की। तो और इसके साथ साथ आप और भी कई तरह की आर्ट, जो कि मैं बता रहा था कि चाहे वो कैफे डिजाइनिंग हो गया, वो इंटीरियर डिजाइनिंग में आ गया बेसिकली, इसके अलावा वुड कार्विंग्स वगैरह, तो आप मतलब एक मल्टीपल सिनेरियो है, बहुत बहुत बड़ा वो है अपॉर्चुनिटी आपको, आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं यहाँ पे। आप थोड़ा स्टार्टिंग में ट्रिकी होता है, हर एक आर्टिस्ट के लिए स्टार्टिंग में थोड़ा ट्रिकी होता है, और इवन वो हर एक बंदे के लिए होता है कि चाहे हम किसी भी चीज में स्टडी करें, अगर कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए स्टडी करता है तो उसको भी जब तक टेस्ट क्लियर नहीं होता तब तक उसको भी मतलब काफी फाइट करना पड़ता है, और इवन वो अगर कोई मतलब प्रोफेशनल डिग्री के लिए करता है, जैसे कोई लॉयर के लिए करता है या कोई एज ए डॉक्टर के लिए करता है, तो उसको भी मतलब आप देखो ना कितना टाइम उसको स्ट्रगल करना पड़ता है, उसके बाद वो चीजें मतलब हो पाती है कि भाई एज ए डॉक्टर वो बन पाए और एज ए लॉयर वो क्रिएट कर पाए, और फिर उसके बाद मतलब वो एक नई फाइट शुरू होती है। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने कि लोग एज ए डॉक्टर के लिए भी काफ़ी 10 से 15 साल लगाते हैं, इंजीनियर कोई भी प्रोफेशन में वो, और जबकि वो प्रोफेशन उसमें वो इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है। और अगर आप 10 से 15 साल, ये बात मैं भी मानता हूँ, 10 से 15 साल आप अपने इंटरेस्ट के प्रोफेशन में लगाओगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा आगे चल के, और उसमें कोई गारंटी नहीं है कि आप वो गारंटी देखो हमारी किसी भी चीज में नहीं है, बाकी नहीं, आप अगर इंटरेस्ट अगर आपका है उस चीज में कर रहे हो तो डेफिनेटली वो गारंटी हो जाती है ऑटोमेटिकली, अगर आप अचीव नहीं कर पाएंगे ना तो इवन आप खुशी खुशी उस काम को आराम से कर पाएंगे। देखो आर्ट जब हमने शुरू किया था तब इसमें यही चीज मैंने फील की, क्योंकि मैं आर्ट लाइन से नहीं था, तो मैंने एक चीज देखी कि हम कोई भी काम करते हैं, एक चीज होगी अपनी गुजर बसर अपनी आमदनी के लिए करते हैं, अपना तो सेकंड पैसों के लिए हो गया, सेकंड थिंग होता है आदमी अपना फ्रीडम चाहता है चीज़ों से, तो मैंने एक चीज़ देखी कि यहाँ पे फ्रीडम है, आप अपने लेवल पे अपना काम कर सकते हो, कोई आपको कुछ नहीं है, सेकंड थिंग आप क्रिएटिव हो सकते हो, कुछ नई चीज़ें बना सकते हो, आपको एक वही साइकिल रिपीट नहीं करना डेली जो चीज़ें करना है, आप कुछ नया क्रिएट कर सकते हो। थर्ड जो चीज़ है वो है कि फाइनेंशियल, तो फाइनेंशियल थोड़े से चैलेंजेस होते हैं स्टार्टिंग में, हर एक फील्ड में होते हैं, ऐसा नहीं है आपको फाइट तो करना, आप स्ट्रगल चाहे पहले कर लो चाहे बाद में कर लो, तो करना ही पड़ता है आपको, तो वो तो हर फील्ड में है, तो थोड़ा सा स्ट्रगल यहाँ पे रहता है, बट उसके बाद आप एक अच्छा इनकम यहाँ पे जनरेट कर सकते हो किसी भी तरीके से, चाहे इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़ गए, चाहे एज ए फ्रीलांसर होते हैं, वो भी विद फ्रीडम हम कर सकते हैं, तो मतलब ये एक बड़ी अच्छा वो है इसमें, और एज ए फीमेल अगर मैं कहूँ तो ये एक मतलब बहुत बेस्ट पार्ट है कि मतलब एक फ्रीडम फील होती है, अगर मतलब ऐसा नहीं है कि जस्ट एज ए फ्रीडम होती है, बट वो एक फील होती है, उससे कॉन्फिडेंस हमारा रहता है, और वो कहते हैं ना कि जो काम हमें पसंद है अगर हम उसी को अपना जो पैसन है उसी काम बना ले तो कभी काम नहीं लगता है, तो बस वो कभी काम नहीं लगेगा आपको, जो आपका पैसन जो आपका इंटरेस्ट है। ऐसा होता है मुझे कभी ये नहीं लगा कि जैसे ऐसे अगर हम जॉब करें या ऐसे हम वर्क करें तो हम मतलब बाउंड नहीं है हम कि हमें 9 to 5 हमें वर्क करना ही करना है, अगर हमारा नहीं मूड है तो हम नहीं करेंगे, अगर हमारा मूड है तो हम पूरी नाइट भी वर्क करेंगे, तो ये मतलब एक प्लस पॉइंट है इसमें, और ये एक बहुत ही अच्छी चीज लगती है कि जिस दिन मतलब वर्क नहीं करना होता है तो नहीं, अगर करना है तो फिर हम फुली डेडिकेटेड होकर करते हैं, कभी ऐसा नहीं लगता कि मैं वर्क कर रही हूँ, कभी ऐसा नहीं लगता, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया किसी किसी स्केच में 10 से 12 घंटे भी लग जाते हैं, 15 घंटे भी लग जाते हैं, तो मैं मतलब सिंगल टाइम में भी हम पूरी मतलब पूरी फुल डे सिटिंग में भी अगर हम उसको करते हैं तो मुझे कभी
ऐसा नहीं लगता कि यार बोर हो गए, पूरा दिन हो गया काम करते हुए, मतलब वो मतलब टायर्डनेस नहीं उसको हम कभी लगता। तो सर एज ए एंटरप्रेन्योर आप काम कर रहे हैं ऑटम में, ठीक है, तो जैसे कि बहुत से लोग ऐसे बच्चे हैं उनका इंटरेस्ट नहीं है, वो गवर्नमेंट जॉब में भाग रहे हैं और वो उनका इंटरेस्ट नहीं लेकिन किसी भी सरकमस्टांस की वजह से वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनका इंटरेस्ट और किसी चीज़ में इसमें है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग हमें देख रहे हैं आज के दिन या आगे देखेंगे जब वीडियो अपलोड होगा, तो उनके लिए एक इंस्पिरेशनल मैसेज क्या रहेगा आप लोगों की तरफ से? देखिए सर, ऐसा है कि मेरा मानना तो ये है कि कोई भी चीज़ हम जो भी करते हैं एक जुनून के साथ, एक पैशन के साथ करें, जिसमें हमारा इंटरेस्ट होगा, अगर हम उसमें अपना काम करेंगे तो एक अपने आप एक पैशन क्रिएट हो जाता है, उसको और बेटर करने की कोशिश करते हैं। रही बात जैसे कि आप बता रहे हो आज का एक यूथ है एक साइकिल को फॉलो कर रहा है कि हम करियर में उस करियर में जाएंगे, लेकिन आज इंडिया में ऐसा नहीं है। आज देखो चीज़ें बदल रही हैं, वक्त के साथ चीज़ें बदलती जा रही हैं और हर 10 साल में बहुत ज़्यादा चेंजेस हम देख पा रहे हैं। अब जो बिजनेस आईटी के साथ जुड़ रहा था, पहले तो ये था कि 40-50 साल में चीज़ें होने वाली थी, लेकिन आज क्या हो गया है एज ए एंटरप्रेन्योर मैं देख रहा हूँ कि वो चीज़ें कोविड आने से 4-5 साल में कन्वर्ट हो गई हैं। हम डिजिटल पेमेंट को कभी यूज़ नहीं करते थे, लेकिन आज हर एक छोटे से छोटा दुकानदार भी डिजिटल पेमेंट को यूज़ कर रहा है। तो चेंजेस बहुत जरूरी है, हमें एक साइकिल को फॉलो नहीं करना है, हमें चेंज को एक्सेप्ट करना है एज ए एंटरप्रेन्योर भी और एज ए नॉर्मल, अगर हम एक नॉर्मल ह्यूमन बींग्स की उससे देखें तो चेंज प्रकृति का एक नियम है, हमें चेंज को फॉलो करना है और उसके साथ साथ अपने आप को इवोल्व करते चलना है। तो वही हम यहाँ पे करेंगे। और आप जो आइटम में हम कर रहे हैं, हम देखो एक स्किल, अपने स्किल को बना रहे हैं तो एक स्किल इंडिया को भी हम यहाँ पे कर रहे हैं, और दूसरी चीज़ मेक इन इंडिया, हम अपना कुछ इंडिया में कुछ अपना खुद बना रहे हैं, तो हम अपनी चीज़ों को, अपनी स्किल्स को हम अपने देश में प्रमोट कर रहे हैं। तीसरा आत्मनिर्भर भारत, हम खुद पे अपने आप पे डिपेंडेंस हैं, तो हम उस चीज़ को भी हम आगे बढ़ा रहे हैं। इसके साथ साथ हम और भी कई सारी चीज़ें हैं जो हम इसमें ऐड करेंगे, जैसे कि मैंने आपको लर्निंग का बताया था, हम इसको इसमें बच्चों को और भी सिखाएंगे, तो एजुकेशन इंडिया को मतलब एक जो पहल है हमारी उनको भी हम इसमें आगे ऐड करेंगे। और जैसे कि रवि जी एजुकेशन के मतलब क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो रवि जी के साथ मिलकर भी हम कुछ चाहेंगे कि हम एजुकेशन के सेक्टर में भी इसमें हम कुछ अपना कर सकें कुछ और आगे, इसको आर्ट के लिए, आर्ट को, आर्ट की जागरूकता के लिए हम इसको अवेयरनेस के लिए कुछ कैंपेन चला सके, ये सब चीज़ें हम इसको करेंगे आने वाले वक्त में। बस यही है कि मतलब कई बार चीज़ें मुश्किल होती हैं, सब चीज़ें होती हैं, बट अगर हमें वही जैसे इन्होंने कहा चेंज एक्सेप्ट करना होता है, अगर हमें कुछ अलग चाहिए तो हमें मतलब कुछ चेंज तो करना पड़ेगा, उसमें रिस्क है, मैं मानती हूँ कि हम फेल भी हो सकते हैं और हम गेन भी कर सकते हैं, बट अगर हम फेल होंगे तो ऑब्वियसली हम कुछ लूज करेंगे, बट अगर हम गेन करेंगे तो हम बहुत कुछ गेन करेंगे। ये है क्योंकि अगर हम जिस चीज़ में इंटरेस्ट है अगर हम उसमें करेंगे, रिस्क है बट हमारे अंदर रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए और तभी हम कुछ अलग कर सकते हैं। और मतलब कुछ अच्छा करने के लिए तो थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत तो हमें करनी पड़ती है, तो उसको हम करें तो हमें थोड़ा बस साइकिल तोड़ के थोड़ा सा बाहर निकलना है चीज़ों को। अब जैसे कि हम देखते हैं आज आईटी के सेक्टर में देख लीजिए, हम सीख रहे हैं वेब डिजाइनिंग ये सब चीज़ें, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने फ़ोन भी डिज़ाइन किया है, जिससे हम चीज़ें कर रहे हैं, तो वो भी तो लोग हैं, वो भी तो इंसान ही है, जिन्होंने मैक को डिज़ाइन किया है, जिन्होंने आईफोन को डिज़ाइन किया, तो वो भी तो हम जैसे लोग ही थे, लेकिन बस उन्होंने अपने उस पैशन को कंटिन्यू रखा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आई, आइटम को लेकर भी हमारे साथ ऐसी चीज़ें हुई हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एक स्मूथ लाइन था। आपको पता है एक एंटरप्रेन्योर की लाइफ बहुत जिगजैग होती है, तो बहुत सारी चेंज, बट हमने चेंज को एक्सेप्ट किया, लर्निंग, अपने लर्निंग साइकिल को कभी बंद नहीं किया, हमने चीज़ों को लर्न किया, हर एक मोड पर एक नई एक प्रॉब्लम आई, हमने उस प्रॉब्लम को सीढ़ियाँ बनाने की कोशिश की, उसको प्रॉब्लम को तोड़ मोड़ के एक सीढ़ियों की तरह यूज़ किया और फिर उसको धीरे धीरे करते आगे बढ़ने की कोशिश की। तो लर्निंग आपने कभी अपनी लर्निंग लाइफ पे बंद नहीं करनी है, चाहे आप कितने भी मतलब किसी भी मतलब हम क्षेत्र में पहुंचे, कितने भी ऊंचे पहुंचे, बट सीखने के लिए इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में बहुत कुछ है, तो हम बस कुछ सीखते रहें, चीज़ें करते रहें और एक पैशन और एक जुनून के साथ अगर हम कोई भी चीज़ें करेंगे तो हम सीधी सी बात है हम कहीं ना कहीं तो जाएंगे, कहीं ना कहीं तो